आपको पीछे से ना आवाज, दोनों की बादल की आवाजें, कड़कने भड़कने की आवाजें दिखाई सुनाई दे रही होंगी। सो नेवर माइंड दैट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि बारिश हो रही है बहुत जोर से। एंड जो आज का वीडियो है वो भी मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, बट पहले ना आपको दिखा दो कितनी जोर से बारिश हो रही है। सो मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती, इट्स ऑल अबाउट नेचर। तो चलो दिखा देती हूँ, ये देखो कितनी जोरों शोरों से बारिश हो रही है, इतनी जोरों से बारिश हो रही है। कैन यू सी, इट्स रेनिंग बट इट लुकिंग रियली नाइस। दूर दूर से वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है दूरों दूरों से। कैन यू लुक देयर व्हेन आई एम पॉइंटिंग माई फिंगर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। ओके, सो देखा आपने कैसे बारिश हो रहा है बाहर। सो ओके, बारिश के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जो वीडियो का पर्पज़ है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। दैट इज़, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हारा जो एवरीडे लुक है वो मुझे दिखाओ टू शेयर विद देम। सो हाँ जी, मैं एवरीडे मेकअप लुक करने वाली हूँ, बट फर्स्टली मैं बोल देती हूँ यहाँ पर मैं कोई फाउंडेशन कंसीलर कुछ कभी यूज़ नहीं कर रही, बिकॉज इन एवरीडे बेसिस आई डोंट यूज एनी थिंग इन माई फेस। ऐसा भी होता है कि मैं फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ, ओनली जस्ट माई ब्लश, लिटिल बिट ऑफ ब्लश लगाती हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज यू कैन सी माई लैशेज आर क्वाइट लॉन्ग। सो बस ऐसे ही रैंडम चली जाती हूँ, उसमें ब्लश एंड ना टेंट लिप टेंट ऐसे चली जाती हूँ। बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट, एकदम सजा के मैंने रखा है उसको करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। बट हाँ, रुको रुको रुको, पहले वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करना कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करो इस वीडियो को। बैठे हो, क्यों बैठे हो भाई, इस वीडियो को बहुत खूब खूब सारा प्यार देना। ओके, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है माही से, वो भी लिख के बताना। एंड इतना तो कर दो मेरे लिए प्लीज़। अच्छा चलो वीडियो में चलते हैं, बहुत देर हो गया। इस तरफ वीडियो चलो। तो फर्स्ट वन, मैं वहाँ पे क्यों जा रही हूँ मैं आपको पहले से बता देती हूँ। हियर इज़ माई ड्रेसिंग टेबल एंड मैंने यहाँ पर ही सब कुछ ड्रॉप करके रखा है एकदम स्कैटर्ड होके। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ फेयर एंड लवली का ये जो एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम है, उसको यूज़ करने वाली हूँ। एंड पहले से ही मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है एंड सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ कर लिया है। सो आई एम जस्ट गोना यूज़ अ लिटिल ड्रॉप ऑफ इट, वन कप, जिसको बोलते हैं दिस मच। मैं अपने हाथों का ही यूज़ करूँगी, नो ब्यूटी ब्लेंडर, एकदम देसी स्टाइल से जिसको बोलते हैं मेकअप, उसको ही करूँगी। एंड एक बात भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मैं स्टडी कर रही हूँ, टैली कर रही हूँ, सो मैं आपसे शेयर ये भी करना चाहती हूँ। दैट इज़, जब मेकअप नहीं था, आई शेडो आई लाइनर्स ये सारे नहीं थे, तो सारे जो लड़कियाँ थी या फिर जितनी भी लेडीज़ थी वो क्या सजते सवरते नहीं थे, वेरी इन देसी स्टाइल। मैं फॉरेन कंट्री का तो इतना नहीं जानती, बट हमारे इंडिया में डेफिनेटली किचन से सब कुछ आता था, ब्यूटी प्रोडक्ट वो बोलो, इनर आउटर जितना भी है वो सब कुछ किचन से आता था। एंड दे यूज टू डू देयर मेकअप, बट उस टाइम में इतने बोलते नहीं थे स्टाइल कि हाँ मेकअप कर रही हूँ मैं, बड़े बड़े टीज। तो फेयर एंड लवली में यूवी प्रोटेक्शन भी है, मतलब एसपीएफ भी है, तो वो ना मतलब सनस्क्रीन के जैसे भी यूज़ होता है, इट्स प्रोटेक्ट योर स्किन। एंड मोस्टली मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों को देखा है मेरे फ्रेंड्स के अंदर, मेरी बहुत सारी दीदियाँ हैं, वो बहुत बहुत सारे मतलब जो लड़कियाँ हैं वो फेयर एंड लवली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हैं। एंड बहुत सारे वीडियोज़ भी इसके ऊपर है कि फेयर एंड लवली का हाउ कैन वी क्रिएट अ मेकअप लुक ऑन फेयर एंड लवली, बट ये वीडियो टोटली ट्यूटोरियल नहीं है, मेरा पर्सनल मेकअप लुक है जो मैं करती हूँ एवरी डे में।
ऐसा भी होता है मैं कोई क्रीम यूज़ भी नहीं करती हूँ, बेयर फेस ऐसे निकल जाती हूँ, जैसे कि मैंने बोला यूजिंग माई ब्लश एंड लिटिल बिट ऑफ लिप टिंट, वो भी एकदम नेचुरल कलर का लिप टिंट होता है, ताकि मुझे इतना मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। क्या मेकअप करोगे यार, नेचुरल स्किन में ना सबसे अच्छा होता है, घर पे आके नेचुरल ही सब कुछ करो, वेरी गुड। सो यह मेरा फेस क्रीम हो गया है एंड इसको सेट भी कर सकते हो आप, अगर ऑयली स्किन है सेट करो, अगर ड्राई स्किन है नहीं भी सेट करो, बट मेरा ऑयली स्किन है तो मैं इसको थोड़ी सी सेट करूँगी अंडर माय आईज, सो एंड जो भी लेफ्ट ओवर होगा उसको ही फेस के ऊपर चला दूँगी कुछ भी। ओके सो मुझे इतना भी मिरर में देखने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया, दैट्स इट। मिरर की जरूरत पड़ेगी जब आई विल यूज माई मस्कारा। देन यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन दैट इज इट, कि मैं इस ब्राउन कलर की लिपस्टिक को लेकर, वैसे तो मैं आई शैडो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती एंड ओनली वेन आई वेर आई गो टू अ पार्टी, विजिट अ पार्टी और कहीं एक ओकेजन है तभी मैं आईलाइनर यूज़ करती हूँ, और इन माई नॉर्मल डेज आई यूज़ द मस्कारा ओनली। सो मैं इसको लेकर पर्टिकुलरली दिखाऊंगी कि हाउ आई डू माई आई शैडो लिटिल बिट, ब्रॉन्जर लिटिल बिट, कॉन्ट्यूरिंग लिटिल बिट, कितने सारे सब कुछ होता है। ओके एंड इसको मैं एज अ लिप टिंट भी यूज़ करने वाली हूँ, ऐसे पाउट करो, अनप्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई एम। देखो एक बात बता देती हूँ, मेरा यहाँ पर डबल चिन है ठीक है, एंड मैं हूँ भी ऐसे वैसे ही, तो मैं क्यों इसको छुपाऊंगी बोलो तो, बस इसको फेस को डिफाइन करना है तो मैं ऊपर थोड़ा लगा देती हूँ। चलो कर लेते हैं, मैं नोज को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ एंड मैं हाथों से ही इसको ब्लेंड करूंगी। पहले के ज़माने में इतने कोई कॉन्ट्योर या फिर कोई ब्रॉन्जर, कोई ब्लश ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करता था, बट फिर भी कितनी सुंदर थी। आज के ज़माने में देखो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऑल द लवलीज आउट देयर अपने आप पे निमत लेना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे देखो। हो गया, क्या लगता है आपको? ओके हो गया ही होगा, मैंने उसको तो बिल्कुल कॉन्ट्योर नहीं करती। नाउ कम फॉर द आई शेडो, यहाँ से ये कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, ये जस्ट माई मेकअप लुक है, इट वेरी रफ, जो भी इसको यूज करना चाहते हो कैन यूज इट इन अ वेरी बिजी डे, आपको अगर कहीं हरी में जाना है बट यू वॉन्ट टू लुक रियली गुड टुगेदर और प्रिटी वन, एंड यू कैन डू इट दिस वन, ये ट्रैवल फ्रेंडली फ्रेंडली भी है। सो ये मैंने एक ट्रांजिशन एज अ यूज किया है, क्लियर। देन कहाँ गया मेरा वो? ओके हियर इज अ पीची पिंक कलर, मैंने आपको बर्थडे वाले दिन भी दिखाया था, ये पीची पिंक कलर है, इसको मैं यूज करूंगी यहाँ पे आईलिड पे, उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से सी हाथों को लेकर अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया, ब्लेंडिंग
इतना ब्लेंड किया कि आंखों से दिखाई भी नहीं जा रहा। अब इसको ही लेकर अंडर आईज पे भी हम पुट कर ओके ब्लेंड हो चुका है। देखो अंडर आईज मैंने कर दिया, अब इसको भी मैं ब्लेंड करूंगी विथ माय फिंगर। That's it. सब कुछ यहाँ पे लिपस्टिक से ही होगा गाइज, सो मैं उसको बाद में उठा लूंगी। नाउ इट्स कम फॉर द आईब्रोज। आई हैव क्वाइट थिक आईब्रोज तो मुझे बस अपनी गैप्स को फिल करना है। That's it. अच्छा इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू एनी रिक्रिएशन वीडियो, अगर किसी का वीडियो रिक्रिएशन, मैंने पहले भी एक रिक्रिएशन, दो रिक्रिएशन वीडियो किया है ऑफ कोर्स, दैट इज़ माय वन माय मदर एंड वन इज़ माय फादर। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू एनी अदर रिक्रिएशन वीडियो देन डेफिनेटली डू इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट किसका रिक्रिएशन वीडियो देखना है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसका रिक्रिएशन वीडियो करने के लिए। सो आई लव टू डू रिक्रिएटिंग वीडियो बिकॉज रिक्रिएटिंग वीडियो होता है कि आप उसको पूरा पिन पॉइंट करके उसको कर रहे हो, उसकी लुक को ट्राई कर रहे हो। एंड आई हैव लिस्ट ऑफ सॉर्टेड आउट, सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू मी एनी अदर्स रिक्रिएशन वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्लियर एवरीबॉडी आर यू क्लियर? अच्छा ठीक है, तो मेरा आईब्रोज भी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू डू द मस्कारा। अच्छा ये भी बता देती हूँ कि मेकअप करना क्यों ज़रूरी है एवरी गर्ल्स के लिए। इट्स नॉट दैट आप कुछ अपने फेस में जो ब्लेमिशेस है, पिंपल्स है, उसको ही रिमूव कर रहे हो, बट द रिसर्च हैज प्रूव दैट कि मेकअप एक लड़की की कॉन्फिडेंट भी बूस्ट करता है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में सो के उठ के यू जस्ट सिट लाइक दैट एंड यू डिडंट फील वेरी कॉन्फिडेंट टू वर्क ऑन इट, बट इफ़ यू गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड यू डिड एवरीथिंग, आप थोड़ा कंफर्टेबल एक क्यूट सा आउटफिट पहन लेते हो एंड देन यू लिटिल बिट डू अ मेकअप लुक, देन यू फील वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू आर अ गर्ल बॉस, राइट? सो मैं मेकअप के अंदर, मैंने जैसे बोला रोज़ फाउंडेशन कंसीलर यूज़ करना भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, सो आई अवॉइड दैट थिंग, बट मैं लिटिल बिट ऑफ थिंग जैसे थोड़ा ब्लश अप्लाई करना, यू लुक लिटिल बिट ऑफ पिंकी पिंकी गर्ल्स, सो एंड पुट अ लिप टिंट ऑन योर फेस, और फेस नहीं लिप्स पे, फेस लिप्स पे यूज़ करना, इट्स फिर मच बेटर। ठीक है, हेवी मेकअप को अवॉइड करो, लिटिल बिट मेकअप करो बिकॉज यू जो हेवी मेकअप करना चाहते हो कर सकते हो। आई थिंक बारिश भी बहुत कम होगी। ये कुछ हो गया चिटी चैटी काइंड ऑफ मेकअप लुक। आई शेडो के अंदर अगर पूछोगे मुझे कि मुझे पर्सनली कौन सा आई शेडो पसंद आता है, दैट इज ब्राउन कलर, न्यूट कलर, पीच कलर, बिकॉज ये आपके आईज को वैसे ही लगता है एंड इट जस्ट ब्लू अवे योर आईज, कोई ट्रांजिशन इतना भी नहीं हो जाता एंड आपको इतना ख़राब भी नहीं लगता, और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैंने अपने पर्सनली चॉइस का बात किया है। हो गया कंप्लीट, जस्ट मिशन अकम्प्लिश्ड नहीं हुआ है। देन कम टू अप्लाइंग द टिंट, लिप टिंट।
तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने जो लिपस्टिक यूज़ किया वो है हुडा ब्यूटी का लिप कलर। तो जो मैं लिप टिंट यूज़ कर रही हूँ वो भी है हुडा ब्यूटी का ही। लिप टिंट का मैंने यूज किया। चिक टिंट डन, सब कुछ तो हो गया है, कॉन्टूर कॉन्टूर सब कुछ हो गया। वाह, हाथों से अच्छा ही ब्लेंड किया मैंने। गुड 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 गुड। ओके, रोज़ के दिन में मैं काजल यूज़ नहीं करती। बहुत सारे लड़कियां हैं जो काजल यूज़ करती, उनको अच्छा लगता है पर्सनली काजल यूज़ करना, बट मुझे काजल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। डूज यू लाइक यू कैन डू द काजल ऑल्सो। और जो जो मेकअप और प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है बहुत ही अफोर्डेबल रिजनेबल प्राइस में है। आपको अगर इंटरेस्टेड है मैं नीचे दे दूँगी उसका प्राइस, जो भी है कुछ दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। फेयर एंड लवली का मैं क्या मेंशन करूँ, आपको तो पता ही होगा। जो मस्कारा मैंने यूज़ किया है, निकलाइन का जो लिप मैंने यूज़ किया है, मैं बेसिकली वही यूज़ करती हूँ। ये ना छोटू सा मीनू सा है, एक और भी है मेरे पास, मीनू सा है, छोटू सा है, एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, एंड कलर्स आर सुपर्ब कलर, सुपर्ब जिसको बोलते हैं वही सुपर्ब कलर है, क्रीमी है, और इसका फ्रेग्रेंस भी जस्ट पूछो ही मत। सो ये बहुत सुपर्ब लगते हैं मुझे, तो इसीलिए मैं इसको ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड दे हैव वेरी नाइस रेंज ऑफ कलर्स, बट मुझे ये पर्सनली ये कलर्स अच्छे लगते थे तो मैंने ये इसको ही बाय कर लिया रैंडमली। And now I'm just gonna use the last one, which is my lip. तो lip में मैं ये brown shade ही ज़्यादा से ज़्यादा use करती हूँ। It's from Huda Beauty. इसका जो नाम है ना आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, but इसका मतलब ये fake बिल्कुल भी नहीं है, ये Huda Beauty का है, मैंने purchase किया था। तो ये उठ गया because ये बहुत दिनों से मैं use कर रही हूँ, तो मैं इसको regular basis पे use करती हूँ। So I just use it, love it. एंड ये मेरे पर्स में डेफिनेटली मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले मेकअप का सामान। वैसे भी मैं मेकअप का सामान यूज़ करती भी नहीं हूँ, आई जस्ट यूज़ दिस लिपस्टिक। बचपन से ही ना मेरे बहुत किस्से हैं लिपस्टिक के ऊपर, ऑब्सेशन के लिए। अगर आपको सुनना है तो सारी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी अगर मेरे लिपस्टिक के ऑब्सेशन के बारे में सुनोगे। फिर भी मैं एक बता देना चाहती हूँ, दैट इज़ जब मैं बहुत छोटी थी तो क्या कहती थी, मम्मी के बहुत सारे लिपस्टिक शेड्स थे, तो डेफिनेटली तो मुझे लिपस्टिक के ऊपर बहुत ऑब्सेशन रहने के लिए मैं क्या करती थी, जो भी मेरे साथ ये करते होंगे, जो भी छोटे बच्चे थे और करते होंगे मेरे साथ, रिलेट करते हो नीचे कमेंट करके बताओ ज़रा। तो मैं क्या करती थी ना, मैं लिपस्टिक के जो ऊपर वाला जो होता है टिप होता है ना, उसको तोड़ के एक पेपर में रोल करके रख देती थी छुपा के, ताकि मम्मी को बिल्कुल ना पता चले। एंड न्यू जो लिपस्टिक था उनके वैनिटी में, और वो तो रेगुलर यूज़ करती नहीं थी, वो जो कहीं मैरिज पार्टी में जाती थी या फिर कहीं घूमने जाती थी तभी वो यूज़ करती थी। हम तो अभी रोज़ यूज़ करते हैं, पर तब के टाइम की बात अलग थी। तब की मतलब इतनी भी पुरानी नहीं है, जब मैं छोटी थी तब इतना भी कोई मेकअप ज़्यादा नहीं करता था, एंड आप घर में रहकर क्या रोज़ रोज़ मेकअप करो, बट वी आर डिफरेंट। ओके ओके, सो वी आर डिफरेंट। तो मम्मी को पता नहीं होता था कि मैं उनकी लिपस्टिक की टिप, और बहुत सुंदर सुंदर कलर होती थी, लाइक शुगरी पिंक होती थी, डार्क रेड कलर, ब्रिक रेड कलर, पीची ऑरेंज कलर्स, मरून कलर, इधर तो बहुत चल रहा भी था, बहुत ट्रेंडी भी था। तो मैं मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता था, शुगरी पिंक जो था, मैं उसको ही उसका ही टिप तोड़ के मैंने पेपर में रख के छुपा दिया था कहीं अपनी बुक के रैक में, कि मम्मी को पता ना चले और मैं थोड़ी थोड़ी करके उसको यूज़ करूँ। एंड आई फील लाइक ये ना लिप्स को थोड़े डिप दे देता है, एंड आपके बातों में भी एक डिफरेंट स्टाइल आ जाता है इफ़ यू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक। और आप अगर ऐसे बेयर लिप्स बात कर रहे हो थोड़ा डिफरेंट होगा, अगर लिपस्टिक अप्लाई करके बात कर रहे हो दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट।
तो ये मम्मी को पता नहीं था मैं ऐसे ही लिपस्टिक रखती हूँ। मम्मी सो जाती थी दोपहर को बोलो तो सो जाती थी, मैं चुपके चुपके उठती थी। और हम जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो मैं क्या करती थी, मैं अपने मेरा एक टेडी भी होता था तो टेडी को लेकर बहुत लाइक खेलती थी। एंड मेरी ग्रैंड माँ भी तब थी तो मैं लिपस्टिक को अप्लाई करके जब खेलती थी तो मेरी ग्रैंड माँ सब कुछ देखती थी पीछे से। एंड शी यूज़ टू टेल माई मदर, शी यूज़ टू कंप्लेन माई मदर कि देखो जो भी मेरा घर का नाम है उसको लेकर बोलती थी कि देखो वो ना ऐसा लिपस्टिक लगा रही है वो। तो मम्मी बोलती है लिपस्टिक कहाँ से लगाएगी, वो लिपस्टिक तो वैनिटी में लॉक है। और मुझे लिपस्टिक का ऑब्सेशन था इसीलिए मम्मी ने वैनिटी को भी लॉक करके रखा था। तो किसी मेकअप की चीज़ के ऊपर मुझे ऑब्सेशन नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। मैं जब भी खरीदने भी जाती हूँ मम्मी के साथ तभी मैं लिपस्टिक ही परचेज करती हूँ। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट शेड होता है मैं उसको ही परचेज करती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट सो कि अगर आपके फेस पे एक ब्राइट कलर का, सुंदर एक ब्राइट कलर का लिपस्टिक आ जाता है एंड यू आर रेडी टू गो आउटसाइड, नो मैटर आपका फेस जैसा भी है, पिम्पल्स है नहीं है, क्लियर स्किन है, लिपस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आईब्रोज डेफिनेटली, अगर किसी का आईब्रोज नहीं होगा तो कैसे लगेगा। ओके लिव इट। तो मम्मी को बताने के बाद मम्मी को भी शक हुआ तो मम्मी ने वैरायटी खोल के, मुझे नहीं पता था ना, मैं तो सो रही थी। तो मम्मी को मेरी ग्रैंडमा ने जाकर कंप्लेन कर दिया, यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया। और मम्मी जाकर वैरायटी खोल के देखती तो उनकी सारी की सारी लिपस्टिक वैसे ही है, पर शुगर पिंक लिपस्टिक जो था उसमें से उसका टिप एकदम इतना सा एकदम तोड़ा हुआ है। तो फिर मम्मी तो उस टाइम कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर पहले मैं उठने के बाद जब मैं शाम को पढ़ने के लिए बैठी थी तब मम्मी पूछी कि तो लिपस्टिक कहाँ गया। तो आई थॉट क्या लिपस्टिक की बात करी, मम्मी पता तो नहीं चल गया मम्मी को। तो मम्मी बात कर रही है कि लिपस्टिक कहाँ गया। सो आई थॉट, मैंने बोला लिपस्टिक, मुझे तो लिपस्टिक के बारे में कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं छोटी भी थी और डर भी यही थी। तो मम्मी बोलते तुम इतनी सी उम्र में अगर लिपस्टिक लगाओगी एंड तो तुम्हारे स्किन का क्या होगा, कहाँ गया लिपस्टिक वो निकालो। तो मैं डर के मारे, मम्मी को वो डरती भी थी, आती हूँ डेफिनेटली, बट वी आर टुगेदर एज अ फ्रेंड नाउ। तो मैं लिपस्टिक जाकर निकाल के लेकर आती हूँ तो मम्मी बोलती है लिपस्टिक का क्या हाल बना दिया है तुमने। फिर तो जो मार पड़ी सो पड़ी, वो पूछो ही मत, वो तो डिफरेंट ही किस्सा है। अगर आपको सुनना है ऐसा स्टोरी तो मुझे वो भी लिख के बताओ, वो भी मैं बताऊंगी कि मेरे लिपस्टिक के वजह से मैंने कितना कुछ प्रॉब्लम में फंसी हूँ, बट स्टिल आई लव द लिपस्टिक सो मच। सो लास्ट वन, अब भी डर नहीं लगता बिकॉज अभी मम्मी समझती है कि बेटी मेरी बड़ी हो गई है, इट नीड टू बी लिटल ऑफ मेकअप, बट अब मैं समझदार हो गई हूँ। आई थिंक दैट अभी मेकअप करना बिल्कुल ठीक नहीं है बिकॉज रेगुलर बेसिस में फाउंडेशन कंसीलर हैवी जो होता है आपके स्किन को डैमेज कर सकती है, बिकॉज स्किन फॉलिकल को डैमेज कर सकती है एंड विच आई डिडंट वॉन्ट टू दैट। नेचुरल स्किन जितना ग्लो करता है अगर आप रोज़ मेकअप करो उतना ग्लो करना वो बंद कर देता है। माई स्किन इज़ डेफिनेटली वेरी ऑयली स्किन, सो आई लव माई ऑयली स्किन, सो आई डोंट डो मेकअप सो मच। बट लिपस्टिक मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ एंड हार्श केमिकल वाले नहीं, माई वाले। सो दिस वन आई एम गोना यूज़, इसके लिए मिरर की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल नाउ अबाउट द लिपस्टिक, ओके आई एम डन, आई एम डन विथ माई मेकअप लुक। नाउ एक ट्रांजिशन और भी है, दैट इज इफ यू वॉन्ट टू डू अ बिंदी यू कैन अप्लाई इट टू, अगर आप बिंदी यूज़ करना चाहते हो बिंदी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता भी है लड़कियों पर, बट मुझे पर्सनली बिंदी तब एथनिक वेयर के साथ अच्छा लगता है। एंड दैट इज दिस इज ऑल, दैट इज दिस इज क्या बोले जा रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज ऑल। बट ये देखो मेरे नेल कलर्स है पीची पिंक कलर, यहाँ पर आ जाएंगे थोड़े डिफरेंट बट पीछे पिंक कलर है। सो मैं एक ट्रांजिशन भी यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ दिस लिप कलर जो इसके साथ एकदम मैच हो रहा है, तो मैं उसको भी थोड़ा यूज़ करूँगी। बट ये ना दिखेगा नहीं, ये हो जाएगा मेरा ब्राउन, लिटिल बिट ऑफ ब्राउन हो जाएगा इन द लाइटर शेड, पीच ब्राउन हो जाएगा। एंड दिस इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये लुक
पसंद आ रहा है, आई थिंक पसंद ही आ रहा होगा। कुछ ऐसा डिफिकल्ट हार्ड नहीं है, आप लाइनर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है। जो भी लड़कियाँ ऐसे मेरे जैसे सचती सवरती हो तो सजो सवरो, मुझे नीचे लिख के भी बताओ कि आपने सजा सवरा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि कोई मेरा मेकअप लुक भी यूज़ कर रहा है। दिस इज़ मी पर्सनली। बट रुको, मैं थोड़ा ना वो जो गिर गया था उसको उठा लूँ। हाँ, बैक टू आवर कन्वर्सेशन। सो यप, दिस इज ऑल एवरीथिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट फिर से मैं मिलती हूँ मेरे एक नए नवेले वीडियो के साथ। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं चलती हूँ, टाटा बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।